अपोजिशन जमातों का लीडर ऑफ द अपोजिशन चैम्बर में इजलास खत्म हो गया है। फैसला किया गया है कि मिनी बजट के दौरान हुकूमत का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। इजलास के दौरान अपोजिशन मेंबरान की हाजिरी यकीनी बनाने का फैसला भी किया गया। इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए हैं, इसकी डिटेल लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज एजाज सैयद से। जी एजाज जी, बिल्कुल, अपोजिशन जमातों ने लीडर ऑफ दी अपोजिशन चैम्बर के अंदर जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास किया है, उसमें हुकूमत की तरफ से जो मिनी बजट लाने की कोशिश की जा रही है उसे हर सूरत में रोकने का फैसला किया है और इस पार्लियामेंट के मैदान में हुकूमत का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया है। इस हवाले से ये भी फैसला किया गया है कि तमाम अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अंदर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएंगी और अपनी अददी अक्सरियत के जरिए हुकूमत को किसी सूरत में भी ये बिल पास ना करने की कोशिश की जाएगी कि हुकूमत किसी तरीके से भी ये बिल पास ना करवा पाए, क्योंकि अभी अपोजिशन के हवाले से, अपोजिशन जमातों के हवाले से पीपल्स पार्टी ने अपना नाम नहीं दिया। स्टीयरिंग कमेटी इस हवाले से इंतजार कर रही है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने यकीन दिलाया है कि पीपल्स पार्टी नामों पर गौर कर रही है कि कौन कौन से लोग होंगे जो इस हवाले से पार्टी जो है उनको नॉमिनेट करेगी, तो अपोजिशन को जल्द वो नाम भी दे दिए जाएंगे। इस वक्त इजलास ये खत्म हो चुका है और तमाम जो अरकान है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जा चुके हैं। जी एजाज सैयद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।